नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे अधिगम के नियम। यह नियम थर्नडाइक के अनुसार से देखेंगे। थर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में अपना अधिगम सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। थर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संयोजनवाद अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है। थर्नडाइक को देखें तो उनके अनुसार अधिगम से तात्पर्य संबंध स्थापित करना होता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का जो है मस्तिष्क करता है। जब कोई प्राणी सीखता है तो उसके सामने एक परिस्थिति या उद्दीपन होता है जो प्राणी को एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार उद्दीपन की अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे हम उद्दीपन अनुक्रिया संबंध कहते हैं। थर्नडाइक के अधिगम के नियम। थर्नडाइक ने अपने मत को पुष्टि के लिए कुछ नियमों की खोज की है, जिसे सभी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। इसी कारण सीखने के नियमों को जो है थर्नडाइक के नियम के नाम से भी जाना जाता है। थर्नडाइक का नियम दो भागों में बटा है, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम जो है यह तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तीन भागों में से बांट के देख सकते हैं। तैयारी का नियम, इस नियम को जो है तत्परता का नियम भी कहा जाता है। यह नियम उन परिस्थितियों को व्याख्या करता है जिनमें सीखने वाला सीखने की बात का स्वागत या तिरस्कार करता है। इस नियम के अंतर्गत सीखने वाले को मानसिक रूप से तैयार करना, रुचि उत्पन्न करना आदि सभी बातें सम्मिलित होती है। इस नियम की जो है कुछ दशाएं भी होती है, जो इस प्रकार से है। जब एक संवहन या व्यवहार करने वाली इकाई व्यवहार करने को तैयार होती है, तब व्यवहार करने में उसे संतोष मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो छात्र यदि सीखने के लिए तत्पर है तो सिखाने में उसे संतोष का अनुभव होता है। जब व्यवहार करने वाली इकाई व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं होती है और यदि व्यवहार नहीं करती है तो असंतोष अनुभव होता है। इसे इस तरह से देखेंगे कि छात्र सीखने के लिए तत्पर है और उसे सिखाया नहीं जाता है तो भी उसे असंतोष अनुभव होता है। जब व्यवहार करने वाली इकाई व्यवहार के लिए तैयार नहीं होती है और उसे ज़बरदस्ती व्यवहार कराया जाता है, तब उसे झुंझलाहट अनुभव होती है। जैसे कि छात्र सीखने के लिए तैयार नहीं है और उसे ज़बरदस्ती सिखाया जाता है, तब वह झुंझलाहट अनुभव करता है। इस प्रकार से तत्परता का नियम प्राणी की मानसिक तैयारी, कार्य के प्रति रुचि आदि से संबंधित है। जिस कार्य में प्राणी की रुचि होती है उसे वह शीघ्र सीख लेता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास प्राणी को कुशल बनाता है। इस नियम को दो भागों में बांट के देख सकते हैं, उपयोग और अनुप्रयोग। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को अगर बार बार करने से वह क्रिया दृढ़ हो जाती है और उस क्रिया को न करने से वह क्रिया निर्बल पड़ जाती है। इस प्रकार अभ्यास का नियम सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास पर जो है विशेष बल देता है। बार बार अभ्यास करने से प्राणी वह क्रिया करने की आदत पड़ जाती है। अभ्यास का अनुपयोग करने पर व्यक्ति भूल जाता है। जब रुचि के साथ अभ्यास किया जाता है तो वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। टाइप करना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना आदि का ज्ञान अभ्यास के अभाव में जो है निर्बल पड़ जाता है। अगला है प्रभाव का नियम। थर्नडाइक के प्रभाव के नियम का तात्पर्य है कि किसी विशेष क्रिया को करने के पश्चात यदि उसका परिणाम संतोषप्रद होता है तो उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध दृढ़ हो जाता है, और यदि इसके विपरीत किसी क्रिया को करने में असंतोष मिलता है तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध निर्बल हो जाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति में जिस कार्य में अधिक संतोष मिलता है वही कार्य वह बार बार करता है। इसके विपरीत जिस कार्य को करने में उसे संतोष नहीं मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता है। इस प्रकार किसी कार्य को करने में दंड या पुरस्कार का विशेष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति उन कार्यों को नहीं करता
जिसमें उसको दंड या अपमान का भय हो, जिस कार्य को करने में उसको प्रशंसा मिलने की संभावना रहती है उसे वह अवश्य करता है। 1922 में जो है थॉर्नडाइक ने प्रभाव नियम में संशोधन किया और कहा कि उद्दीपन अनुक्रिया के संबद्धता पर असंतोष का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि बारंबारता जो है या आवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। थॉर्नडाइक का जो दूसरा नियम है वह गौण नियम है। इसे बहुविधि अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता या आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम पांच भागों में बांट के देख सकते हैं। बहुविधि अनुक्रियाओं का नियम, इसे विविध प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जब किसी नवीन कार्य को सीखता है तो उसे कार्य में जो है सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक अनुक्रियाएं करता है और अंत में एक सही अनुक्रिया खोज निकालता है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इस नियम पर जो है आधारित है। अगला है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। अधिगम मानव की अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा भी निर्देशित होता है। यदि मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो उस कार्य को शीघ्रता से सीखता है। इसके विपरीत यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को देर से सीखेगा या बिल्कुल नहीं सीखेगा। मनुष्य की संस्कृति का भी उसकी मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। एक हिंदू व्यक्ति मूर्ति के सामने अपना सिर झुका देगा परंतु एक मुसलमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। यह मनुष्य की धार्मिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार थॉर्नडाइक का कहना है कि यदि कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सीखा जाता है तो उस कार्य को सरलता एवं शीघ्रता से सीखा जाता है। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। यदि शिक्षक संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है तो छात्रों को सीखने में सरलता रहती है। अगला है समानता या आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अंतर्गत सीखने वाला नई परिस्थितियों में जो है पिछली परिस्थिति से समानता होने पर वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने पहली परिस्थिति में की थी। अर्थात छात्र जो भी नया ज्ञान सीखता है उस ज्ञान को वह पूर्व से संबंधित कर लेता है और उसको अस्थाई अंग बना लेता है। अगला है सहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का अभिप्राय पहले कभी की गई अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करने से है। इस नियम के अनुसार अनुक्रिया का स्वरूप पहले जैसा ही रहता है परंतु परिस्थिति बदल जाती है। उदाहरण के लिए माँ बच्चे के मर जाने के पश्चात उसके खिलौने आदि को उसी प्रकार से जो है सीने से लगाती है जिस प्रकार वह बच्चे को लगाती थी। तो ये था अधिगम का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार से। धन्यवाद।